हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय चैनल बेस्ट कॉमर्स क्लासेस। माय नेम इज शिवानी एंड हम लोग अपना करंट टॉपिक इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग के अब हम लास्ट टॉपिक पे आ गए हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। ओके, तो कल हम लोगों ने डबल एंट्री सिस्टम एंड अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स पढ़ा था, जिसको हम सिंगल एंट्री के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो आज हम डबल एंट्री के फीचर्स, स्टेजेस एंड एडवांटेजेस को कवर करेंगे। तो चलिए, लेट्स स्टार्ट अवर क्लास। फीचर्स क्या क्या होते हैं डबल एंट्री सिस्टम के, देखिए थोड़ा सा एक क्विक रिव्यू दे देती हूँ। रिविजन डबल एंट्री सिस्टम में हमने ये बताया था कि मेनली हम लोग इस पर दोनों एस्पेक्ट को कवर करते हैं, मतलब डेबिट साइड भी और क्रेडिट साइड भी। कोई भी ट्रांजैक्शन होता है उसके दो एस्पेक्ट होते हैं कि जो है, जैसे कि हमने मान लीजिए परचेज का किया, ठीक है, तो परचेज किया तो परचेज में एक एस्पेक्ट ये हुआ कि हमारे पास कोई ना कोई गुड्स मटेरियल या फिर जो भी असेट हमने परचेज करी वो हमारे पास आई। और उसके रिवर्स साइड अगर हम देखें तो क्योंकि हमने परचेज किया, यानी कि कुछ ना कुछ हमने पेमेंट, कुछ कंसिडरेशन दे करके ही वो सामान को खरीदा होगा। दूसरा एस्पेक्ट ये हुआ पेमेंट साइड का कि हमने परचेज किया कैसे, कैश में परचेज किया या क्रेडिट में किया है, तो हमारे पास से वैल्यू जा रही है मनी के टर्म्स में। तो ये दो एस्पेक्ट हो गए, एक एस्पेक्ट हमारा डेबिट बनता है और एक एस्पेक्ट क्रेडिट बनता है। ठीक है, अब उसी के बेसिस पे हम फीचर्स को समझते हैं। पहला है इट मेंटेन्स अ कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ईच ट्रांजैक्शन। डबल एंट्री सिस्टम की ये मेन खास बात है कि ये पूरा कंप्लीट रिकॉर्ड जो है रखता है हर ट्रांजैक्शन का, ऐसा नहीं कि किसी एक का ही हो, एवरी ट्रांजैक्शन शुड बी कंप्लीट। ठीक है, तो ये पहला फीचर हो गया कि हमें हर जो है हमारा हर ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड कंप्लीट होता है। सेकेंड ये कहते हैं इट रिकॉग्नाइजेस टू फोल्ड एस्पेक्ट ऑफ एवरी ट्रांजैक्शन विद द एस्पेक्ट ऑफ रिसीविंग, यानी कि वैल्यू इन, एंड एस्पेक्ट ऑफ गिविंग यानी कि वैल्यू आउट। टू फोल्ड एस्पेक्ट का मतलब यहाँ पे यही हुआ कि डेबिट एस्पेक्ट एंड क्रेडिट एस्पेक्ट, तो ये टू फोल्ड एस्पेक्ट कहलाते हैं। हर ट्रांजैक्शन के टू फोल्ड एस्पेक्ट होते हैं। पहला एस्पेक्ट की रिसीविंग, यानी कि हमने रिसीव क्या किया, अगर हमने कोई गुड्स या कुछ भी रिसीव किया है, फर्नीचर, असेट, व्हाटएवर कुछ भी रिसीव किया है, तो वो हमारा एस्पेक्ट ऑफ रिसीविंग बनेगा, जिसको हम कहेंगे वैल्यू इन, यानी कि वो हमारे बिजनेस में जो है वो उसकी एंट्री हुई है, यानी कि उस वो हम और हमारे पास वैल्यू इन है, मतलब उसका हम अगर वैल्यू निकाले तो हमारे बिजनेस में इनकमिंग हुई है उसकी। ठीक है, और किस टर्म्स में, वैल्यू के टर्म्स, मनी के टर्म्स में। एंड एस्पेक्ट ऑफ गिविंग, यानी कि उसके बदले में हमने उसे खरीदा कैसे है, तो वो हमारे पास से जा रहा है। वैल्यू ऑफ गिविंग यानी कुछ भी हम जो दे रहे हैं उसकी वैल्यू क्या है, एस्पेक्ट ऑफ गिविंग, तो जो जा रहा है वो भी मॉनेटरी टर्म्स में ही जाएगा, तो वो हो जा रहा है हमारा वैल्यू आउट। ओके, तो पहला एस्पेक्ट हो गया एस्पेक्ट ऑफ रिसीविंग, जिसको हम कहते हैं वैल्यू इन, एंड दूसरा है एस्पेक्ट ऑफ गिविंग यानी कि वैल्यू आउट। ओके, अब हम अपने थर्ड फीचर को समझते हैं। इन दिस सिस्टम वन एस्पेक्ट इज डेबिटेड एंड द अदर एस्पेक्ट इज क्रेडिटेड फॉलोइंग द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। डबल एंट्री सिस्टम में हमारा जो एस्पेक्ट होता है डेबिट का और क्रेडिट का, ठीक है, इसको हम जो है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट से फॉलो करते हैं, कि जो रूल हमें बताया गया कि डेबिट क्या करना है, क्रेडिट क्या करता है करना है, उसी के अकॉर्डिंग हम अपने एस्पेक्ट को डेबिटेड एंड क्रेडिटेड करते हैं। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट ये आप आगे के चैप्टर्स में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए बस यही जान लीजिए कि हम ये दोनों जो एस्पेक्ट है हमारे डेबिट एंड क्रेडिट, वो जो है रूल्स ऑफ डेबिट और क्रेडिट के अकॉर्डिंग फॉलो होते हैं। चौथा फीचर है हमारा द टोटल ऑफ ऑल डेबिट्स इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल ऑफ ऑल क्रेडिट्स। ठीक है, मतलब कि क्योंकि हमें हर ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है डबल एंट्री सिस्टम में, तो ये मैंडेटरी है हमारे लिए कि हमारा टोटल डेबिट साइड का और क्रेडिट साइड का इक्वल होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कल ही मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि जैसे मान लीजिए हमने दो आइटम्स खरीदे, एक गुड्स में खरीदा, एक फर्नीचर में खरीदा, ऐसे मान लीजिए हमने चार पांच चीजें कैश में परचेज करी हैं, तो जितनी भी चीजें परचेज करी हैं उन सब का सम इक्वल टू क्रेडिट साइड का सम, वो हमारा इक्वल आना चाहिए, कहीं पे भी कोई डिफरेंसेस नहीं आने चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से जब ये इक्वल होगा तभी ये हेल्प कर पाएगा। इट हेल्प्स इन एस्टेब्लिशिंग अर्थमेटिकल एक्यूरेसी बाय प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस।
ठीक है, जब ये हमारा इक्वल होगा तभी हम अर्थमेटिकल एक्यूरेसी मेंटेन कर पाएंगे ड्यूरिंग प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस जब बनेगा तभी हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है क्लियरली बन पाएगी और फाइनेंशियल पोजीशन तभी निकल के आ पाएगी। इसलिए डेबिट एंड क्रेडिट शुड बी इक्वल। ठीक है, तो ये हमारे चार फीचर हो गए डबल एंट्री सिस्टम में। अब हम अपने स्टेजेस की बात करते हैं। डबल एंट्री बुक सिस्टम में तीन स्टेज बताई गई हैं। ये तीन स्टेज को फॉलो करते हुए ही हम अपनी डबल एंट्री सिस्टम को आगे प्रोसीड करते हैं। देखिए तीन स्टेज क्या है। पहली स्टेज है हमारी रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन इन द जर्नल, मतलब कि सबसे पहले हम रिकॉर्डिंग का काम करते हैं। कोई भी ट्रांजेक्शन आया है उसकी रिकॉर्डिंग होना, कि दोनों आस्पेक्ट को देखते हुए हमने अपने जर्नल में उसको रिकॉर्ड कर दिया उस एंट्री को। सेकेंड हमारा स्टेज आ जाता है क्लासीफाइंग का। ठीक है, अब रिकॉर्डिंग हो गई, उसके बाद हमें उसे फर्दर क्लासीफाई करना है कि क्लासीफाइड ट्रांजेक्शन बाय पोस्टिंग देम टू द अप्रोप्रिएट लेजर अकाउंट। ठीक है, हमें लेजर अकाउंट क्लासीफाई हम लेजर के थ्रू ही करते हैं। ये हमने अपने प्रीवियस टॉपिक्स में, जो हम इस चैप्टर के प्रीवियस टॉपिक में, उसमें हमने डिटेल में समझाया है। आप उसके लिए मेरे पुराने वीडियोस को देख सकते हैं जिसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है। ठीक है, तो क्लासीफाई करेंगे हम ट्रांजेक्शन को, और क्लासीफाई करने का तरीका होता है लेजर पोस्टिंग, यानी कि हर एक ट्रांजेक्शन के दो अकाउंट, जितने भी आस्पेक्ट होंगे उसके उतने ही लेजर अकाउंट्स ओपन होंगे। ठीक है, तो उनको ही पोस्टिंग पर्टिकुलर अकाउंट में करके हम उन्हें क्लासीफाई करेंगे। एंड क्योंकि क्लास जब लेजर अकाउंट बनता है तभी हमें एंटायर ईयर का पूरा समरी पता चलता है कि इस पार्टी से, इस पर्सन से पूरा ड्यूरिंग द ईयर हमने कितनी बार ट्रांजेक्शन किया या कितना ड्यूज है, कितना हमें उससे रिसीव करना है। ओके, तभी हम प्रिपेयर कर पाएंगे अपना ट्रायल बैलेंस। स्टेज थ्री है हमारी क्लोजिंग दी बुक्स एंड प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट। अब जब हमने ट्रायल बैलेंस बना लिया, लेजर अकाउंट सब मेंटेन कर लिया, तो अब हमें अपनी बुक्स को क्लोज करना है। क्लोज करने का मतलब कि 31 मार्च को तक हमारी सारी एंट्रीज कंप्लीट हो जानी चाहिए, जितना भी लेना देना है सारा कुछ। ठीक है, तो फिर हम अपनी अकाउंट बुक्स को क्लोज करेंगे, और क्लोज करने के बाद हम अपने फाइनल अकाउंट्स को तैयार करेंगे। फाइनल अकाउंट का कहने का मतलब है ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ठीक है, बैलेंस शीट के सारे स्टेटमेंट के फॉर्म में तैयार होंगे। इस तरह से ये थ्री स्टेज में वर्क करता है डबल एंट्री सिस्टम, तभी हमें वो कंप्लीट रिकॉर्ड, कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे पाता है। ठीक है, अब हमने अपने यहाँ फीचर्स कवर कर लिए, स्टेजेस कवर कर लिए। अब हम बात करेंगे कि इसके एडवांटेजेस क्या है, एडवांटेजेस ऑफ द डबल एंट्री सिस्टम। ओके, हमारी बुक टी एस ग्रेवाल में 9 एडवांटेजेस बताए हैं डबल एंट्री सिस्टम के, तो हम इनको वन बाय वन बायफरकेट करते हैं। तो हमारा पहला जो एडवांटेज है वो है साइंटिफिक सिस्टम। ओके, डबल एंट्री सिस्टम साइंटिफिक सिस्टम है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि अकाउंटिंग इज आर्ट और साइंस, तो उसके बेस पे जो हम एंट्री करते हैं, जो उसका तरीका है, जो प्रोसेस हमें बताया गया कि वो साइंस भी है, क्योंकि हम इसमें जो भी प्रिंसिपल और रूल्स को फॉलो करते हैं तो वो साइंस को डिफाइन करता है, क्योंकि साइंस में जो भी हमें रूल्स प्रिंसिपल बताए जाते हैं वही, उसी के अकॉर्डिंग ही हमें अपने अकाउंटिंग सिस्टम को फॉलो करना ही होता है। रूल्स मस्ट बी फॉलो। ओके, तो इस वजह से ये साइंटिफिक सिस्टम है। ठीक है, साइंटिफिक सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग मतलब जो तरीका बताया गया है रिकॉर्ड करने का बिजनेस ट्रांजेक्शन को, एज कम्पेयर टू अदर सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग, यानी कि हमें और भी कई तरीके बताए गए हैं बुक कीपिंग में कैसे रिकॉर्डिंग करना है, उससे ये मच बेटर है। ठीक है, कि डबल एंट्री सिस्टम में जो रिकॉर्डिंग का तरीका बताया वो साइंटिफिक सिस्टम को के बेस पे बना हुआ है, जिस वजह से वो हेल्प भी करता है हमारा इन अटेनिंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, एक बार फिर से समझ लेते हैं, साइंटिफिक सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन एज कम्पेयर टू अदर सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग हेल्प्स इन अटेनिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंट। क्योंकि ये जो साइंटिफिक सिस्टम है हमारा रिकॉर्ड करने का बिजनेस ट्रांजेक्शन को, जो हमें दूसरे अदर जो सिस्टम है बुक कीपिंग से वो अलग करता है, तो पहला तो एडवांटेज हमारा यही हो गया, क्योंकि ये हमें कंपेरिजन करने को दे रहा अदर सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग से, जो कि मच बेटर होता है। और दूसरा ये, इसी वजह से हम अटेन कर पाते हैं जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं अकाउंटिंग के। ओके, तो सेकंड हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन्स है, हमारा हर ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो, कंप्लीट रिकॉर्डिंग करता है। ठीक है, तो इस वजह से हमें उसकी पूरी फुल इंफॉर्मेशन मिल जाती है। इट इज़ अ कम्प्लीट रिकॉर्ड एज इट रिजल्ट इन शोइंग करेक्ट इनकम और लॉस, असेट्स एंड लाइबिलिटीज। क्योंकि ये कम्प्लीट रिकॉर्ड होता है
और जिस वजह से हमारा जो इसमें रिजल्ट निकलता है वो हमें करेक्ट इनकम या फिर अगर हमें लॉस हुआ है तो लॉस वो हमें करेक्ट इन्फॉर्मेशन देता है इनकम की भी एस और असेट एंड लाइबिलिटीज यानी बैलेंस शीट की भी हमें देता है। तो दो एडवांटेजेस हमने समझे, साइंटिफिक सिस्टम है, दूसरा कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन है। ओके हमारा थर्ड एडवांटेज है अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट्स इज एंश्योर्ड। ठीक है, जो हमारी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी है वो हमें कैसे मिलेगी, क्योंकि इसमें हम अपना डेबिट और क्रेडिट साइड हमेशा इक्वल रखते हैं। रखते क्या है, मतलब हमेशा इक्वल होना ही चाहिए, तो उसी से हमें अर्थमेटिकल एक्यूरेसी भी मिलती है कि हाँ ये ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहा है हमें और इसके डेटा रिलायबल है। ओके तो ये हमारा तीसरा एडवांटेज हुआ, बाय द यूज ऑफ दिस सिस्टम डबल एंट्री सिस्टम का हम अगर जब यूज करते हैं तो अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द अकाउंटिंग वर्क कैन बी एस्टैब्लिश थ्रू दी ट्रायल बैलेंस। तभी आप अपने ट्रायल बैलेंस में एस्टैब्लिश कर पाओगे जब आप डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करोगे अपने अकाउंट को रिकॉर्ड करने के लिए। तो ये हमारा तीसरा एडवांटेजेस हुआ। चौथे की कहते हैं डिटरमाइनिंग प्रॉफिट और लॉस, क्योंकि हमने डबल एंट्री सिस्टम फॉलो किया है तो उसकी वजह से हम अपना ट्रायल बैलेंस के बाद जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं तो उससे हम अपने प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है उसको डिटरमाइन कर सकते हैं। प्रॉफिट अर्न और लॉस इनकर ड्यूरिंग अ पीरियड कैन बी डिटरमाइंड बाय प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, तो इसी के बेस पे हम अपना प्रिपेयर कर सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उससे डिटरमाइन कर सकते हैं कि हमें इनकम हुई है या लॉस हुई है। तो ये हमारा चौथा एडवांटेज है। अब हम अपने फिफ्थ एडवांटेज की बात करते हैं, नॉलेज ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ये हमें नॉलेज भी देता है कि फाइनेंशियल पोजीशन क्या रहा है ड्यूरिंग अ पीरियड हमारी फर्म का या हमारे इंस्टीट्यूशन का। फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फर्म कैन बी असर्टेन एट द एंड ऑफ ईच पीरियड बाय प्रिपेयरिंग द बैलेंस शीट। हम हर पीरियड का या हर साल अपने स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट को प्रिपेयर करके अपने फर्म की या फिर अपने इंस्टीट्यूशन की फाइनेंशियल पोजीशन को पता कर सकते हैं कि क्या रही है। ओके तो इस एंट्री से, इस डबल एंट्री सिस्टम से हमें ये एडवांटेजेस हो गए, ये एडवांटेजेस हैं हमारे। हमारी जो सिक्स एडवांटेज है वो कहती है कि ये हमें फुल डिटेल्स देता है फॉर पर्पस ऑफ कंट्रोल के लिए। यानी कि अगर हम जैसे किसी चीज़ पे कंट्रोलिंग करना चाहते हैं कि हमारी असेट्स में क्या ड्यूरिंग द ईयर कैसा परफॉर्मेंस रहा है, उसने कैसा प्रोडक्शन दिया, अच्छे से दे रही है या नहीं दे रही है, उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है या नहीं हो पा रहा है, या फिर एम्प्लॉयज़ के केस में कि एम्प्लॉयज़ सही से काम कर रहा है तो वर्किंग आवर्स के बेस पे, अटेंडेंस के बेस पे हम ये सब उसका कंट्रोलिंग कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास प्रॉपर अकाउंट्स मेंटेन है, प्रॉपर रिकॉर्ड्स हमारे पास मेंटेन है। ठीक है, तो ये इस पर्पस को इसकी भी फुल डिटेल्स देती है। दिस सिस्टम परमिट्स, ठीक है, ये सिस्टम परमिट करता है अकाउंट्स टू बी मेंटेन इन एज मच डिटेल। ठीक है, बहुत ही ज्यादा डिटेल में ये जो है अकाउंट्स को मेंटेन करता है, एक एक इंफॉर्मेशन होती है जितनी नेसेसरी होती है उतनी ये डिटेल में रिकॉर्डिंग करके रखता है। देयरफॉर प्रोवाइड सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन फॉर पर्पस ऑफ कंट्रोल। ठीक है, इसी वजह से ये प्रोवाइड कर पाता है सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन, मतलब कि जो भी रिक्वायर्ड है, जो जरूरत है उस इन्फॉर्मेशन को, जिससे कि हम पर्पस ऑफ कंट्रोल को कर पाते हैं। तो ये हमारा सिक्स एडवांटेज हो गया। अब हम सेवेंथ एडवांटेज देखेंगे। सेवेंथ बोलता है कंपैरेटिव स्टडी इज पॉसिबल, क्योंकि इसमें हम अकाउंट हमेशा मेंटेन करते हैं तो इस वजह से हमारे पास हर ईयर का अकाउंट्स मेंटेन होगा, रिकॉर्ड हमारे पास होगी, हमारी इन्फॉर्मेशन होगी, तो उसके हेल्प से हम अपना रिजल्ट या जो भी है वो कंपेयर कर सकते हैं कि ड्यूरिंग द ईयर का जो रिजल्ट आ रहा है पिछले साल से वो कितना ज़्यादा आया या कम आया, और उसके बाद उसके रीजन को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, रिजल्ट ऑफ वन ईयर मे बी कंपेयर्ड विद द दोज ऑफ प्रीवियस ईयर एंड द रीजन फॉर द चेंज, कि क्या चेंजेस की वजह से ये सारे रीजन ये निकल के आ रहे, क्या कॉजेस रहे, उसको भी हम असर्टेन कर सकते हैं। ठीक है, फिर हमारा एट्थ एडवांटेज कहता है कि हेल्प्स मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग, क्योंकि ये प्रॉपर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, डिटेल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है जिसके बिहाफ पे हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि हमें ड्यूरिंग द ईयर क्या डिसीजंस लेने हैं अपने बिजनेस को आगे ग्रो करने के लिए। ठीक है, तो ये मैनेजमेंट की भी हेल्प करता है। मैनेजमेंट मे बी एबल टू ऑब्टेन गुड इन्फॉर्मेशन
फॉर इट्स वर्क स्पेशली इन मेकिंग डिसीजन. गुड इन्फॉर्मेशन अपने काम के लिए उसको ऑब्टेन कर सकता है जिससे कि वो अपने डिसीजंस को बना सके या डिसीजन जो लेने वो ले सके. ठीक है, अब इसके बाद नाइन्थ एडवांटेजेस. हमारा जो लास्ट एडवांटेज है नाइन्थ, वो बात करता है डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड्स एंड मिस अप्रोप्रिएशन. फ्रॉड और मिस अप्रोप्रिएशन क्या चीज होती है? फ्रॉड तो मतलब कि एक तरह से चीटिंग करना, धोखा देना, ठीक है. और मिस अप्रोप्रिएशन यानी कि कोई भी चीज को जो है मिस अप्रोप्रिएट करके, मतलब कुछ भी तोड़ मरोड़ करके उस एंट्री में जो है कुछ दूसरी तरह की एंट्री, जो अपना इंटेंशन है, पर्पस है, उसको सॉल्व करते हुए वो एंट्री डाल देना, ठीक है. उसको ये डिटेक्ट कर पाता है. कैसे डिटेक्ट कर पाता है? कि फ्रॉड्स एंड मिस अप्रोप्रिएशन को मिनिमाइज कर देता है, क्योंकि हमारे पास फुल डिटेल होती है. जैसे मान लीजिए अगर हम एम्प्लॉयज़ की बात करें, उसने कहीं ना कहीं, जैसे मान लीजिए कि वर्किंग आवर्स बुक होते हैं, वर्किंग आवर्स 30 दिन के बुक हुए कि उसने इतना इतना काम किया, बट उसका इंटेंशन है कि उसको उसने बीच में इन बिटवीन कहीं छुट्टी ली है, बट उसने कहीं पर कुछ ऐसा दिखाया कि नहीं उसके आवर्स कम्प्लीट है, अटेंडेंस सीट पर डेज मेंटेन है, लेकिन किसी एक दिन में उसके कुछ घंटे कम है, तो वो भी हमें, क्योंकि वहाँ पर प्रॉपर आवर्स मेंटेन होता है, रिकॉर्ड मेंटेन है, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे चीटिंग हुई है, इसने फ्रॉड किया या मिस अप्रोप्रिएट किया. उसे हम ट्रेस आउट कर पाएंगे कि डेज में तो उसकी अटेंडेंस जो है पूरी आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं आवर्स कम है. अब आवर्स कम है इट मींस वहाँ पे एम्प्लॉय एब्सेंट है, वहाँ पे वो अवेलेबल नहीं है वर्किंग, जहाँ पे वर्किंग होनी है, ठीक है. तो ये इस वाली सिचुएशन को मिनिमाइज किया जा सकता है, क्योंकि हम कंप्लीट इंफॉर्मेशन की रिकॉर्डिंग करते हैं डबल एंट्री सिस्टम में, ठीक है. और उसी सेंस में अब हमने तो ये एम्प्लॉयज़ का एग्जांपल दिया, असेट है, लाइबिलिटीज़ है, क्या है, हर चीज़ का आप जो है उसमें पूरी इन्फॉर्मेशन लेकर के डिटेक्ट कर सकते हो कि कहाँ पे फ्रॉड हुआ है, कहाँ पे मिस अप्रोप्रिएशन हुआ है, जिससे कि आप अपनी बैलेंस शीट को ट्रू एंड फेयर व्यू दे सको. ओके, फ्रॉड एंड मिस अप्रोप्रिएशन आर मिनिमाइज सिंस कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट ऑल असेट्स एंड लाइबिलिटीज इज अवेलेबल. ओके गाइस, ठीक है. तो यहाँ पे भाई 9 एडवांटेजेस कंप्लीट हो गई हैं, और फिर लास्ट में ये लाइन अटैच करी गई है कि इट इज बिकॉज ऑफ दीज एडवांटेजेस दैट द डबल एंट्री सिस्टम इज यूज एक्सटेंसिवली इन ऑल द कंट्रीज. ठीक है, ये एडवांटेजेस होती हैं डबल एंट्री सिस्टम की, इसी वजह से इस सिस्टम को एंटायर द कंट्री यानी सभी देशों में यही फॉलो किया जाता है, क्योंकि इससे हमें करेक्ट व्यू, रिलायबल और ये सारी चीज़ें हम इस पर बेस कर सकते हैं, तो हमें मिलती हैं. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा एडवांटेजेस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम कंप्लीट हो गया है. हमारा जो चैप्टर चल रहा है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, आज फिनिश हो गया है, और आपने मेरे को इतना सपोर्ट किया, इनकरेज किया, उसके लिए थैंक यू सो मच. आगे के चैप्टर हम ऐसे ही आगे पढ़ेंगे, और फिर भी अगर आपको कोई डाउट्स है, कन्फ्यूज़न है, तो प्लीज़ मुझे बताइए, मैं उनको ज़रूर से ज़रूर दूर करूँगी. और इस चैप्टर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन अगर ऐसा है जो आपको कन्फ्यूज़ कर रहा है, आपको उसका आंसर नहीं समझ में आ रहा, कैसे लिखना है, क्या करना है, तो वो भी आप प्लीज़ मेरे को बताइए, जिससे कि मैं उस पर भी वीडियोज़ तैयार करके आप लोगों की हेल्प कर सकूँ. तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियोस अगर आपको पसंद आते हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, और भी अदर स्टूडेंट्स की हमें हेल्प करनी चाहिए, जिससे कि हम एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को मेंटेन कर सके, एक अच्छे जो है सिटीजन्स बन सके. ओके स्टूडेंट्स, टिल देन मिलते हैं फिर नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय बाय, टेक केयर.